दोस्तों, अगर अपनी तैयारी अन एकेडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंडिया के टॉप एडुकेटर मिल जाएंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, डेली लाइव होंगे, डेली क्यूजेज होंगे, उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा, जो आपका डेली डाउट होगा वो क्लियर कराया जाएगा, उसके बाद स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है कि लास्ट फ्यू डे टू इंजॉय 10% डिस्काउंट ऑन इंडिया एयरफोर्स एक्स वाई नेवी के लिए है। देखो, पहले 10% डिस्काउंट मिलता था, आप सभी को भी पता है, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए आपके पास मौका है 10% पाने के लिए। आप सिर्फ इसे कुछ दिनों के लिए अगर लेना चाहेंगे तो बस जीजेटी 10 को यूज़ करना है, 10% अभी मिल जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ये 5% हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम आज ही लें और बेस्ट तैयारी करें अन एकेडमी प्लस से, है ना। चलो, और दोस्तों ये है आपका पृथ्वी बैच, जो कि एनडीए के लिए कंप्लीट बैच है, ओपन कर दी गई है। 22 फरवरी से आपका बैच स्टार्ट है और आपका 5 अप्रैल तक चलने वाला है। तो जाके आप लोग इनरोल कर सकते हैं इंडिया के बेस्ट एडुकेटर के साथ। उसके बाद आपका जो सेकेंड है यानी एनडीए 2 के लिए, ये भी आपका कंप्लीट बैच ओपन हो जाएगा 25 फरवरी से लेकर 1 सेप्टेम्बर तक चलने वाला है। यानी कि 25 फरवरी से लेकर आपका 1 सितंबर तक ये पूरा बैच चलने वाला है एनडीए 2 के लिए, है ना, लक्ष्य बैच है। तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो फटाफट जाइए इनरोल कर सकते हैं। चलिए, तो अगर इनरोल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। देखो, आपको सबसे पहले करना क्या है कि गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा, इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। चूज करना आपको कितने महीने का लेना है, 1 महीना 3 महीने 6 महीने 12 महीने। मान लीजिए दोस्तों, मेरे को 3 महीने का लेना है, 3 पे क्लिक करिए, 12 पे क्लिक करना, जो महीना जितने महीने का लेना है उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना फटाफट। उसके बाद आपको कोड डालना है जीजेटी टेन डालिएगा, 10% आपको डेफिनेटली मिलेगा, अभी आपको मिल जाएगा, आने वाले टाइम में आपको 5% मिलेगा। तो GJT 10 डाल के अप्लाई करिए, उसके बाद आपका फाइनल प्राइस पड़ जाता है 12 महीने का 7200, 6 महीने का 5760, ऐसे आपको पड़ जाता है। तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको क्यूज कैसे लगाने हैं तो आपको मैं डेली का बताता हूँ कि क्यों कैसे लगाने होते हैं, क्यूज कैसे करते हैं, हम लोग तो पता ही है ना। चलो, तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में अन एकेडमी लर्निंग ऐप, और 7 बजे हमारा जीके का स्पेशल क्लास या फिर बहुत सारे 4 क्लासेस डेली चलते हैं, उसे भी जाके देखिए और वहां से अपनी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आरसीएस ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है, तो वहां से सिंपली आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और यहां पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर। ये है पहला क्वेश्चन, ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है बेसबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी टेनिस और ऑप्शन डी में है हॉकी। तो यहां पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है? बेसबॉल हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? वो बेसबॉल है। और ये सवाल आपको बिल्कुल याद रखना होगा क्योंकि आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न, सेम तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहां पे याद रखना होगा, यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ये है बेसबॉल, यानी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहां बता दूं कि इंडिया का जो राष्ट्रीय खेल क्या है वो क्या है, आपको हॉकी है। ये इंडिया का राष्ट्रीय खेल है, इंडिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, और जो क्रिकेट है ये आपको इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। कहां का है? इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। तो ये सारे आपको यहां पे याद रखने होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके स्क्रीन के ऊपर है कि मुक्केबाजी खेल के लिए, जो मुक्केबाजी खेल के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है पुल, ऑप्शन बी रिंग, ऑप्शन सी कोर्स और ऑप्शन डी एली। तो यहां पे भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और बी में हमारे पास क्या है? रिंग हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो मुक्केबाजी खेल के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है, तो हम लोग रिंग नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि जूडो, कराटे, ताइक्वांडो के खेल जिस परिसर में होते हैं उसे खेल परिसर को क्या कहा जाता है? नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कोर्स, ऑप्शन बी रिंक, ऑप्शन बी मैट, सी मैट और ऑप्शन डी में कॉर्ट। तो यहां पे भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, मैट हो जाएगा, यानी इस राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, जो जूडो कराटे यानी जो ताइक्वांडो को जो खेल होता है, जो जिस परिसर में होते हैं उस खेल परिसर को क्या कहा जाता है, तो वो मैट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास फोर नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर आपके स्क्रीन को पढ़िए कि बेसबॉल के खेल परिवार को क्या कहा जाता है, जो बेसबॉल के खेल होते हैं उस परिवार को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी फील्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फील्ड कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास फाइव नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फाइव आपके स्क्रीन को पढ़िए है कि दिया गया शब्द गैम्बिट किस खेल से संबंधित है, तो नीचे में आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी वॉलीबॉल और ऑप्शन डी में है शतरंज। तो यहां पे भी पांच नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है, शतरंज हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, जो गैम्बिट है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये शतरंज संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास सिक्स नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके स्क्रीन के ऊपर है कि दिया गया कौन सा शब्द विलियर्ड्स खेल से संबंधित है, ऑप्शन ए क्यू, ऑप्शन बी वोल्टिंग, ऑप्शन सी इन ऑफ और ऑप्शन डी में ये सभी। तो सिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है, ये सभी हो जाएगा, यानी कौन कौन, यानी क्यू भी है, वोल्टिंग भी है और इन ऑफ है। ये जो शब्द है ये आपको कौन से बिलियर्ड्स खेल में क्या होते हैं, बिलियर्ड खेल से संबंधित है ये तीनों, तो ये आपको याद रखने होंगे तीनों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास सेवन नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेवन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, कॉर्नर किक शब्द का संबंध किस खेल से है, ऑप्शन ए में फुटबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी बैडमिंटन और ऑप्शन डी बेसबॉल। तो सेवन का भी यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी फुटबॉल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो कॉर्नर किक है ये किस शब्द से, यानी किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास एट नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एट आपके स्क्रीन के ऊपर यह है कि डुरंड कप रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है, तो नीचे में चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी बैडमिंटन और ऑप्शन सी फुटबॉल और ऑप्शन डी क्रिकेट। तो यहां पे एट नंबर का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भी क्या है, फुटबॉल से ही रिलेटेड है। ठीक है, जो डुरंड कप और रोवर्स कप है इसका संबंध फुटबॉल से ही है। तो ये सारे क्वेश्चन जो खेल से रिलेटेड है ये आपको याद रखने होंगे, और ज्यादातर खेल से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास नाइन नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नाइन आपके स्क्रीन को पढ़िए कि फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है, और नीचे में आपको यहां पे देखिए चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी बास्केटबॉल और ऑप्शन डी ब्रिज। तो यहां पे भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, बास्केटबॉल, यानी इस राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी यानी बास्केटबॉल। जो फेडरेशन कप है ये आपको बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस कप या ट्रॉफी का संबंध हॉकी खेल से नहीं है, ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नकारात्मक प्रश्न जिसे हम बोलते हैं, कि जो निम्न में से किस कप या ट्रॉफी का संबंध हॉकी खेल से नहीं है, तो 10 नंबर का सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है, आगा खा कप का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के ऊपर है, और ये सारे क्वेश्चन आपको यहां पर ध्यान से देखने होंगे। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है, तो देखिए इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है सऊदी अरब में। कहां पे किया गया है, सऊदी अरब में किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सऊदी अरब में। अब यहां पे सबसे पहले हम यहां पे बात किसके बारे में करेंगे, G20 शिखर सम्मेलन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो कि ये यूरोपीय यूनियन और 19 यानी 19 देशों का ये क्या है, संगठन है। जो G20 शिखर सम्मेलन है ये आपको बता दूं कि यूरोपीय यूनियन और 19 देशों का एक संगठन है, और जो G20 शिखर सम्मेलन का ये आयोजन किया गया था ये इसका 15वां एडिशन था। ठीक है, तो ये एडिशन भी आपको यहां पे याद रखना होगा, और इसी के आयोजित किया गया है सऊदी अरब में।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सऊदी अरब के बारे में। किसके बारे में? सऊदी अरब के बारे में। तो देखिए सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? कैपिटल है रियाद। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है और करेंसी सऊदी रियल। तो ये आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन कहां किया गया है? तो देखिए इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है असम के डिब्रूगढ़ में। कहां पे? असम के डिब्रूगढ़ में किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम के डिब्रूगढ़ में। और इसका नाम है सुरभि आरोग्यशाला अस्पताल और ये पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल है जो कि 17 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। कितने लाख से? 17 लाख रुपए की लागत से इस अस्पताल को तैयार किया गया है और ये लगभग 30 किलोमीटर के दायरे में अपनी ये सर्विस प्रोवाइड कराएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं असम के बारे में। तो असम की वर्तमान में राजधानी क्या है? असम की राजधानी है ये है दिसपुर। दिसपुर असम की राजधानी है। मुख्यमंत्री है सर्वानंद सोनवाल और जबकि राज्यपाल ही है जगदीप मुखी। तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 13 यानी 13 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में अंडमान सागर में भारत और सिंगापुर के बीच किस अभ्यास का आयोजन किया गया था? तो देखिए इंडियन नेवी और सिंगापुर नेवी के बीच अभी हाल ही में सिम्बेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। किसका? सिम्बेक्स का आयोजन किया गया है। सिम्बेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है कहां पे? तो ये किया गया अंडमान सागर में। ये आपको याद रखना होगा। और यहां पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सिंगापुर के बारे में। किसके बारे में? सिंगापुर के बारे में। तो सिंगापुर की कैपिटल क्या है? कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की कैपिटल है, करेंसी है डॉलर और वहां के जो प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर है ये है ली सियोन लुंग। तो ये भी आपको याद रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 14 यानी 14 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में एपिक समिट 2020 का आयोजन कहां किया गया है? तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो देखिए जो एपिक समिट 2020 का आयोजन किया गया है तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है मलेशिया में। कहां पे किया गया है? मलेशिया में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि एशिया इसकी फुल फॉर्म जो होते हैं जो मलेशिया में, तो सब जो ये किया गया है अभी हाल ही में आयोजन किया गया है। लेकिन इससे पहले सबसे पहले हम यहाँ पे एपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे बनती है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन और इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1989 में इसकी स्थापना की गई थी और ये स्थित है सिंगापुर में ही। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे मलेशिया के बारे में। तो कैपिटल क्या है? मलेशिया की कैपिटल है क्वालालंपुर। क्वालालंपुर मलेशिया की कैपिटल है जबकि करेंसी है मलेशियाई रिंगित। तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन को पढ़े कि हाल ही में चक्रवाती तूफान जिसका नाम है निवार ये किस क्षेत्र में भूस्खलन किया है? तो देखिए जो निवार तूफान है ये बड़ी चर्चे में रहा है और इसने अभी हाल ही में भूस्खलन किया है बंगाल की खाड़ी में। कहां पे? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और देखिए बंगाल की खाड़ी में तो ऐसे किया ही है और इसका जो प्रभाव है ये पुदुचेरी और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इस जगह भी क्या किया है इसने, बहुत ही मतलब ये भी राज्यों को देखने को मिला है ये जो तूफान आया है इससे भी ये जो सारे राज्य है ये भी प्रभावित हुए हैं। साथ साथ में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना भी राज्य जो है ये भी बहुत ही प्रवाह मतलब इस चक्रवाती तूफान से प्रवाहित है। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 16 यानी 16 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 आपके स्क्रीन को पड़े कि हाल ही में किस बैंक ने अपनी पहली डिजिटल ऐप जिसका नाम है आनंदा, ऐप का क्या नाम है? आनंदा लॉन्च किया गया है। तो ये पहला डिजिटल एप्लीकेशन है ये लॉन्च किया गया है LIC का। किसका है? LIC का। ठीक है, जिसे कि LIC लॉन्च किया गया है LIC के द्वारा। तो LIC ये जो है ये जीवन बीमा पॉलिसी लागू करने के लिए अपने यानी जो अकाउंट होल्डर होते हैं उनके लिए एक डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? आनंदा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे LIC के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना की गई थी सितंबर 1956 में। कब की गई थी?
सितंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये हैं एमआर कुमार। कौन है? एमआर कुमार हैं। तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 17 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में ऑस्कर 2020 के लिए भारत की तरफ से किस फिल्म को चुना गया है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिल्म से भी आपके जो प्रश्न एराइज भी किया जाता है एग्जाम में। तो ऑस्कर 2021 के लिए भारत की तरफ से यानी जल्लीकट्टू फिल्म को चुना गया है। किसको चुना गया है? जल्लीकट्टू फिल्म को। ये आपको याद रखना होगा जो कि एक मलयालम फिल्म है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? ऑस्कर अवार्ड के बारे में। तो देखिए इसकी शुरुआत सबसे पहले 1929 में की गई थी। कब की गई थी? 1929 में की गई थी, जो कि फिल्मों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन को पर यही कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी की नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए ये अभी हाल ही में बन गए हैं ग्रेग बार्कले। कौन? ग्रेग बार्कले, जो अभी हाल ही में आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। तो देखिए जो ग्रेग बार्कले हैं ये अभी हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आईसीसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आईसीसी यानी इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। और इसकी स्थापना की गई थी 15 जून 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय दुबई यानी कि यूएई में स्थित है। और वर्तमान में जो इसके सीईओ हैं ये है मनु साहनी। कौन है? मनु साहनी इसके सीईओ हैं। तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 19 यानी 19 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 19 आपके स्क्रीन को पड़ी कि कौन सा देश फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2021 की मेजबानी करेगा। तो ये मेजबानी करेगा कतर देश। कौन करेगा? कतर देश मेजबानी करेगा। तो यहां पे आपको क्या होगा मैं बता दूं कि पीडीएफ में मॉडिफाई कर दी जाएगी, क्योंकि ये सारे जो ऑप्शन है ये मैंने आपको इंडिया के सारे स्टेट को मैंने डाल दिया, ठीक है। तो यहां पे मैं बता दूं कि ये सारे ऑप्शन मैंने गलत कर दे रहा हूं और यहां पे आपको कतर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। कतर हो जाएगा यानी मान लीजिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन बी में हम अमेरिका डाल देते हैं। कहां? अमेरिका। तो ये सारे आपको यहाँ पे सुधार कर जाएगी पीडीएफ में। तो सबसे पहले इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मेजबानी किया जाएगा कतर देश। तो देखिए फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2021 की मेजबानी कतर देश करेगा। और यहां पे हम बात करेंगे फीफा के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? तो फीफा के बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। फीफा यानी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म आप सबसे पहले नोट कर लेंगे और अक्सर एग्जाम में फुल फॉर्म से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और इसकी स्थापना की गई थी 21 मई 1904 में। कब की गई थी? 21 मई 1904 में फीफा की स्थापना की गई थी। और जो इसका मुख्यालय है ये है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में तो है ही, और वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो ये है जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। तो सबसे पहले आप कतर के बारे में डिस्कस कर लेंगे। जो कतर देश है, कतर देश ये तो मेजबानी करेगा 2021 की टूर्नामेंट की। तो कतर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कतर की राजधानी क्या है? राजधानी है दोहा और करेंसी है कतरी रियाल। तो ये भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।